Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to a new gameplay series. तो आज से हम लोग खेलने जा रहे हैं Hello Neighbor 2. Alright guys, welcome to Hello Neighbor 2. तो इस गेम में हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं जो कि न्यूज वगैरह ढूंढते हैं. तो हमने इस अंकल पे पिछले कई दिनों से नजर रखी हुई है और अभी दोबारा से हम लोग गाड़ी लेकर इसके घर पे पहुंच गए हैं ताकि जब भी ये किसी बच्चे को किडनैप करता है ना, हम लोग इसका वीडियो बना लें. क्योंकि अगर एक बार इसको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया, उसके बाद तो सारा काम पुलिस खुद करेगी. फिलहाल शायद यहाँ पर बैठे बैठे रात हो गई और मैक्सिमम टाइम ये अंकल रात में बच्चों को किडनैप करता है. और सामने कुछ है भाई, अभी से ही थोड़ा डर लगने लग गया. बिल्ली थी, ठीक है. मेरे को लगा अंकल आएगा सामने से. और वो देखो वो लेफ्ट में ले जा रहा है बच्चों को पकड़कर. इसकी फोटो खींच ली, नाइस. और फोटो खींच ली. अभी ये रंगे हाथों पकड़ा गया है, बट उसने हमें देख लिया है. शायद कुछ तो गड़बड़ होने वाली है. वो बच्चे को पकड़ के घर के अंदर ले गया और अंदर से एक शॉवल लेकर आया. भाई अभी गाड़ी भगानी होगी. भगा. एक सेकेंड, गाड़ी स्टार्ट हो जा. हो गई. और इसने गाड़ी का शीशा फोड़ दिया. देख रहे हो भाई कितना डेंजरस है. न्यूज रिपोर्टर को वेट. सामने कोई एलियंस आया, अपनी गाड़ी भिड़ी और एक्सीडेंट हो गया. तो जो हमने इसका डेमो वर्जन खेला था ना, तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था. हमें समझ नहीं आ रहा था ना ये गाड़ी किसकी है, हम वेयर हाउस में क्या कर रहे हैं. बट अभी सब समझ आ चुका है, वो काम इस अंकल नहीं करा था. लेट्स गो. तो इसने मुझे एक वेयर हाउस में लाकर बंद कर दिया है. मुझे यहाँ से बाहर निकलना है और मुझे बाहर निकलना अच्छे से आता है, मैं इन सब काम में प्रो हूँ. मुझे ये वाला दरवाज़ा खोलना है और इस दरवाजे को खोलने के लिए मुझे इस लीवर को वर्किंग कंडीशन में लाना है. अभी फिलहाल इसके अंदर दो गियर्स हैं, मुझे तीन गियर और चाहिए होंगे, ब्लू, ग्रीन एंड रेड. अब उन्हें ढूंढते हैं. अंदर शायद से ये ब्लू वाला पड़ा हुआ है, इसको ले लेता हूँ. इसको लगाते हैं हम लोग यहाँ पे और एक इस शीशे के अंदर है, यानी मेरे को पहले क्रोबार लेना है, इसे खोलना है. इसके अंदर पत्थर है और ये मारना है मुझे ऐसे यूं फेंक के. चलो भाई ले आओ, ये भी ले लिया. इसको लगा देता हूँ यहाँ पे, ग्रीन वाला. और अब बचा है रेड पीस. रेड पीस मुझे याद है किधर होता है, यहाँ पर. ये तोड़ देता हूँ मैं. अब चलते हैं इस तरफ में और ऊपर जो सीढ़ियाँ जा रही है ना, इसलिए वहाँ पर छुपा के रखा है. फिलहाल ये सब मुझे याद था क्योंकि मैंने डेमो वर्जन खेला है. अब आगे की कहानी डिफरेंट होने वाली है. लेट्स गो, ऊपर चलते हैं. ये रहा लास्ट गियर रेड वाला. अब ये मैं कूद के आ गया हूँ नीचे और इसको लगा देता हूँ यहाँ पे. परफेक्ट. तो ये बड़ा वाला गेट मैंने खोल दिया है और सामने वो ब्लू वाला हाउस नेबर हाउस है. बट कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे, शायद एक सेकेंड कुछ गड़बड़ होने वाली है. ये कहाँ से टपक गया? इसको पता था हम लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं. जितनी भी फोटोज वगैरह हमने कैमरा में खींची थी, सारे सबूत वो उस अंकल के पास ही चले गए. वो हमारा कैमरा ही लेकर चला गया भाई. क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ? वेट, उसने सर पे शवल मारी थी ना, पट्टी लगी हुई है. बहुत डेंजरस है ना ये अंकल, इसको सबक सिखाना पड़ेगा. बट एक सेकेंड, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हमारे घर पे बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और उन चार स्क्रीन्स में कोई सीसीटीवी फुटेज आ रहा है और शायद से ये उन्हीं अंकल के घर के बाहर का है. ये देखो, ये उसी अंकल का घर है. और यहाँ पर, बट वेट, यहाँ पर ये पुलिस कैसे आ गई? क्या है ये बात? पुलिस को पता चल चुकी है कि ये अंकल बच्चों को किडनैप करता है या फिर उसने हमारा एक्सीडेंट करवा दिया. दरवाजे खुल गए हैं तो इसका मतलब बच्चे भी रेस्क्यू हो गए होंगे ना. तो फिर हमें तो आज कुछ काम करना ही नहीं है. अंकल को बस जाकर ऐसे यूँ क्रोबार फेंक के मारना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना. बट ये क्या है? अबे एक सेकेंड, ये तो मैं बचपन में खेलता था यार, ऐसे एक पे दो पे कूद के, फिर तीन चार पे दो पैर रखते थे, फिर पांच पे एक पैर, फिर छः सात पे, यहाँ पर 10 तक है. ये इंटरनेशनल गेम है क्या? मेरे को लगता था बस हम ये इंडिया में ही सड़क पे ऐसे बना के खेलते हैं. आप लोगों ने खेला है या फिर नहीं मुझे ज़रूर बताना है कॉमेंट्स में. देखते हैं कि आखिरकार क्या सीन है. अरे 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 हेलो, अरे पुलिस ऑफिसर क्या हुआ? मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है न्यूज़ छापना, मैं अंदर जा सकता हूँ, हटो आप. अरे भाई साहब, तो धक्का मार के फेंक दिया यार. मेरे को अंदर जाकर देखना है कि बच्चे रेस्क्यू हुए उसकी बेसमेंट से या फिर नहीं. पे तेरी की भाई, ये पुलिस ऑफिसर ने सब कुछ यहाँ पर लॉक कर दिया शायद से. यहाँ पर किसी का आना जाना भी नहीं है, देख रहे हो? बट वेट, मेरे को एक रास्ता और पता है घर के अंदर जाने का. लास्ट टाइम मैं यहाँ से भी गया था. यस, ये देखो यहाँ पर एक दरवाज़ा है
मैं इसको खोल के अंदर जाता हूँ, बट क्या घर में अंकल होंगे? वेट, काफी सुनसान लग रहा है। मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि शायद से घर में अपने वो किडनैपर अंकल भी हैं, वरना इतनी देर में तो वो आकर भैया कच्चा चबा जाते मेरे को। हेलो, उनका ये बेडरूम है। यहाँ पर कोई भी नहीं है भाई, इस पूरे घर में कोई भी नहीं है। मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, सचमुच में पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ। बट वेट, बेसमेंट अभी भी लॉक्ड है, यानी बच्चे अंदर अभी भी बंद हैं। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे चार ताले लगे हैं इस दरवाजे में। मेरे को थोड़ा सा ना बच के रहना पड़ेगा, बाहर पुलिस ऑफिसर खड़े, अगर इनको पता चल गया कि मैं दूसरे रास्ते से अंदर आया हूँ तो बैंड बच जाएगी। इसलिए मुझे थोड़ा सा शांतिपूर्वक सारा काम करना है। बाकी गाइस देखो, ये जो पिक्चर है ना, ये एक हिंट है। मतलब ये वाला जो टॉय हाउस है ना, इस टॉय हाउस के ऊपर मुझे तीन डॉल ला के रखनी है, जो कि है एक अंकल की डॉल और दो बच्चों की डॉल। वेट, यहाँ पर ऊपर जाने की सीढ़ियाँ हैं, क्या मैं ऊपर जा सकता? नहीं हूँ। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए मुझे सीजर्स चाहिए। अगर मुझे सीजर्स मिल जाएगी तो मैं शायद ऊपर जा पाऊँगा। मेरे को ड्रॉअर वगैरह ओपन कर सकता हूँ? सीजर्स चाहिए, मेरे को ऊपर जाना है भैया। ये वाली ड्रॉअर होगा यार, कहीं ना कहीं तो पड़ा होगा, बट अभी ना ऐसे नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर एक सेफ है, और इस सेफ को ओपन करने के लिए मुझे ना चार नंबर्स चाहिए। मुझे पता है कैसे सोल्व होगा। जो ये ग्रीन वाला है ना, फॉर एग्जाम्पल, इस टाइप की मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढनी है। इसको यहाँ पर रख देते हैं, एट। तो थर्ड डिजिट है 8, बट रेड ब्लू एंड येलो कलर के भी मुझे ये वाले बॉक्स ढूंढने हैं, जो कि इस घर में कहीं ना कहीं बिखरे पड़े होंगे। पता नहीं कौन सा कहां पर मिलने वाला है। बाकी एक बारी इस तरफ चलते हैं, यहां पर शायद से कुछ ना कुछ तो होगा यार, इतना बड़ा। ओ वेट, मेरे को 1 मिल गया यहां पे। मुझे लग ही रहा था इधर कुछ ना कुछ होगा, मेरे को 1 मिल चुका है। 1 को रखते हैं फटाफट से यहां पे। 1 नहीं पता, 8 नहीं पता, अभी बस 2 और ढूंढने हैं। दो और सामने एक दरवाजा है, इस वाले दरवाजे को। ये इसका बाथरूम है भाई, इसका बाथरूम देख कितना घटिया है। मेरे को अगर ऐसे टॉयलेट आ जाए और ऐसा बाथरूम हो तो भाई मेरे पेंट में ही कर दो भाई, ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पर कुछ तो, ओ नाइस, मुझको 9 मिल चुका है, ये थर्ड डिजिट है। इसको भी ले जाकर रखते हैं फटाफट से। ये लेट्स गो, इसको रखना है मुझे ब्लू वाले पे। हटो हटो, वैसे रखना जरूरी नहीं है, माइंड में भी याद कर सकते हैं। अभी बना है 198। अब या तो मैं एक और ढूंढूं, या फिर मैं तुक्का भी भेड़ सकता हूँ, मतलब एक ही डिजिट ढूंढना है। एक काम करता हूँ, जो थर्ड डिजिट है ना, उसको 1 to 9 ट्राई करता हूँ, लाइक 198 मुझे पता है। अब 4 डिजिट के लिए पहले 1 डालते हैं, नहीं चला, 198। अब 2 डालते हैं, 198। अब 3 डालते हैं, 198। अब 4 डालते हैं, और ये खुल गया। मुझे एक चाबी मिल चुकी है भाई साहब, लेट्स गो। इसी तरीके से अलग अलग पजल सॉल्व करनी है मुझे इस घर में, और हमें उन चारों चाबियों को ढूंढना है। लेट्स गो, मुझे पहली चाबी मिली और ये वाला ताला मैंने खोल डाला है। अब बाकी 3 ताले खोलने हैं भाई। भाई पूरे घर में हर जगह पजल ही पजल है, कैसे सॉल्व होगी कोई आइडिया नहीं। यहाँ पर एक फ्रिज है, इस फ्रिज के अंदर वो देखो भाई, तुक्का मार लिया, अब इसका कोई काम नहीं है। इधर आ, निकाल यहाँ से। ऊपर 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 एक डोल ऊपर है, एक डोल ऊपर है, एक डोल मुझे दिखी। यहाँ से ऊपर चढ़ के रास्ता है, यस, ये यहीं पर है, डेमो में भी यही थी। इसको उसको उठाते हैं और इसको ले जाकर मैं रख देता हूँ इसके ऊपर। कौन सी पोजीशन पे रखना है? 1, 2, 3 राइट साइड पे। तो इसको रखता हूँ मैं यहाँ पर। मुझे इस टाइप की 2 डोल और ढूंढनी है। 2 डोल और कहाँ पर मिलेगी कोई आइडिया नहीं। एक सेकेंड, ये क्या था? अरे वेट भाई, यहाँ पर एक डोल है। ये गर्ल वाली डोल कहाँ पर रखनी है? ये रखनी है सबसे लेफ्ट साइड में, ये इधर रख दी। अब बची है बीच वाली, एक डोल और बची है, ढूंढते हैं ये भी इस घर में कहीं ना कहीं पर तो होगी। वैसे यार एक सेकेंड, यहाँ पर मैं वेट, ये पेंटिंग में, पेंटिंग हटाई, पेंटिंग के पीछे कोड है पक्का, यहाँ पर कोई ना कोई सीक्रेट चीज है। और एक सेकेंड, तुक्का भेड़ू क्या? ओ ओ ओ करके देखता हूँ, ओ ओ ओ नहीं यार, ऐसे तुक्का भेड़ के नहीं होगा शायद। एक सेकेंड, मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है कि ये सीनरी अभी मैंने कहीं तो देखी है, मैंने अपने अपने घर में देखी थी या फिर, वेट, मैंने ये चीज टीवी पे देखी थी। नोट्स ऑफ तावुरे, तानुरे, एन ओ टी, मेरे को पासवर्ड मिल गया गाइस, पक्का एक चाबी और होगी उसके अंदर। NOT डालने का लेकिन टाइम ही तो नहीं है। NNN अवस्थी नहीं चाहिए। ओ भाई, सीक्रेट वॉल थी, और सीक्रेट वॉल के अंदर ये थर्ड डोल है। लेट्स गो, हो गया भाई साहब, एक और की मिल गई। चल लगा उसे, पक्का इसके अंदर की होनी चाहिए। अरे सर, मैं जा रहा हूँ। यार छी यार, बाहर फेंक दिया उठा के। सेकेंड भाई, समझ नहीं भाई,
ये हिंट है, ये हिंट है, ये वाला घर ऊपर एरो, ये एरो ट्री हाउस को शायद से इंडिकेट। क्या, एक सेकेंड, ये ट्रैम्पोलिन पे मैं जंप मार सकता हूँ। ओ तो वो हिंट ये था कि आप इस घर के थ्रू ऊपर जा सकते हो। लेट्स गो। तो मैं ट्रैम्पोलिन से ऊपर आ गया हूँ, ये रिलेटर्स आ गया मैं टॉप पे। भाई ये ट्री हाउस में बहुत सारी हमें चीज़ें मिलने वाली है। भाई ये है क्या है यार, मैं डर गया अचानक से, बिल्ली कहाँ से आ गई, खिलौने रख रखे हैं इसके ऊपर चलने में। पापा 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 क्या है ये छी। बट ये वाली लेटर्स को पहले ओपन करो। बाकी यहाँ पर क्या चीज़ है मेरे को समझ नहीं आ रही। वो मतलब यहाँ पर एक टॉय ट्रेन चल रही है बहुत तेज़ की, जो कि ऐसे पूरे में घूम के आ रही है इधर। यहाँ पर कुछ तो लगाना है मुझे। ये ट्रेन के दो ट्रैक हैं। अरे यहाँ पर सीजर है, मेरे को यही सीजर तो चाहिए, वो रस्सी काट कर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए। बट यहाँ पर मुझे उसके लिए लीवर लगाना होगा। ये रहा लीवर, लीवर दो। अबे ये तो विंडो ओपन करने का लीवर है। तो यहाँ पर ये जो पुतला है उसको मुझे इस शेप में लाना है, जिसके लिए मुझे एक हैंड चाहिए होगा। इसका एक हैंड कहाँ पर, एक सेकेंड। अरे वाह, इसके पीछे पड़ा हुआ है इसका एक हैंड। लाओ भाई इसे लगाओ इधर। एंड अभी मेरे को कुछ इसे इस शेप का करना है, यानी जो शील्ड वाला हैंड है वो जाएगा नीचे एंड ये वाला जाएगा अटैकिंग मोड पे ऊपर। यह लेट्स गो, लीवर मिल चुका है भाई। पजल से भरी हुई है ये गेम। मैंने चेंज करा, अभी एंजल आ गए इस साइड। लाओ मेरी सीजर्स मेरे को दो, मैं जाऊँ ऊपर अपना काम करने भाई। चलो सीजर मिल गई, अपना काम हो गया। चलो भाई अभी मेरे पास सीजर्स और क्रोबार दोनों है, मेरे को बस वो रस्सी काट के ना फटाफट ऊपर जाना है। नहीं 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 नहीं, अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा, इसको नहीं पता चलना चाहिए। भाई मैं तो जा रहा हूँ घर से बाहर। एंड आज से ना अपनी घर के अंदर आने की एंट्रेंस ये है ही नहीं, मैं यहाँ से आऊंगा ही नहीं, हमेशा ये देख लेता है। अब से मैं हमेशा आऊंगा इस वाली एंट्रेंस से, इसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। भाई ये ले, आजा तू आगे दिखा, आगे दिखा, ये ले रस्सी भी काट दी। ये तो एकदम मस्त शॉर्टकट है यार ऊपर जाने का। बाकी ये क्या जगह है, यहाँ पर एक पेंटिंग था, इस पेंटिंग से मुझे स्क्रीन मिला है, पता नहीं किस चीज़ का स्क्रीन है। फिलहाल यहाँ पर एक बॉक्स पड़ा है, इसको ओपन करने के लिए क्रोबार चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अरे यार ये कहाँ से उठा के फेंक दिया बाहर। ठीक है भाई, मुझे पहले इस अंकल को, पुलिस अंकल, पुलिस अंकल आ जाओ नीचे आओ चुपचाप। यस वो नीचे आ गए। यहाँ पर लगाता हूँ अलार्म एंड मैं चलता हूँ राइट साइड से ऊपर एकदम चुपचाप। अलार्म बजा अंकल, वहीं जाओ। यस यस मैं अभी वापस ऊपर आ गया हूँ। और जब भी मेरे को अंकल पकड़ेंगे सारी चीज़ें लेकर वापस वहीं पर रख देंगे जहाँ से मैंने उठाई थी। यहाँ पर मुझे कैसे चकमा दूँ यार, वो शायद उस रूम से बाहर आए एंड नीचे गए। जितना मेरे को साउंड समझ आ रहा है शायद से अंकल नीचे गए। अंकल के भागना पड़ेगा, लेट्स गो। पकड़ लिया यार। ओ भाई साहब इतनी बार उठा के मुझे बाहर फेंका जा चुका है, रात हो चुकी है। बट अच्छी बात तो ये कि चाबी मेरे हाथ में ही है। नाइस, इसको लगाओ भाई यहाँ पे, लेट्स गो। चौथा दरवाजा भी मैंने खोल दिया है, एक बार नीचे चलते हैं, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बट वेट, ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी यार, अब पता नहीं मैं वापस ऊपर जा पाऊँगा या नहीं। बट एक सेकेंड, बेसमेंट में बच्चे कहाँ पे है? मुझे लगता था कि अंकल बच्चों को किडनैप करके बेसमेंट में लाते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ये क्या है, सोलिंग यार, एक तो वर्ड इसमें आड़े टेढ़े लिखे होते हैं सारे। कीज स्टॉलन सोलिंग, ये दूसरी वाली चीज़ क्या लिखी थी नहीं मालूम। बट चाबी मिल चुकी है और शायद इस चाबी से मैं बेसमेंट वाला ये दरवाज़ा ओपन कर सकता हूँ। यानी गाइस अभी मैं बैक साइड पे आ गया हूँ इस घर की। ये सामने वाला घर ना मेरे को शुरुआत से ही गड़बड़ लग रहा था, और ये कोई पेपर प्लेन उड़कर मेरे पास आया है, हेल्प मी। और सामने भी कुछ पेपर्स पड़े हुए हैं, आई डोंट नो गाइस ये पेपर्स यहाँ पर पहले भी पड़े थे या फिर नहीं, क्योंकि मैंने इतना नोटिस नहीं करा था। बट एक सेकेंड, यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे ऐसे पेपर्स पड़े हैं, ये देखो। अरे वेट, इतने सारे कौवे वगैरह कहाँ से आ गए? ये पूरी स्ट्रीट पे पेपर्स पड़े हुए हैं बच्चों की मिसिंग के, मतलब वो हेल्प के लिए मुझे भेज रहे हैं। भाई ये अंकल ने कितने बच्चों को किडनैप करा हुआ है यार, बहुत ही डेंजरस सीन है ये तो। ये रास्ते पे जाऊँ या ना जाऊँ अब तो ये भी नहीं समझ आ रहा, भाग के चलता हूँ। पक्का आगे कोई ना कोई तो है जो शायद से मेरा वेट कर रहा है कि मैं आऊँ और वो मुझे धरे। ठीक है भाई, अरे बाप रे, एक तो ये कौओं ने डरा रखा है। लेट्स गो, यहाँ से चलता हूँ ऊपर। क्या हिसाब है भाई,
मैं अभी किसी एक और न्यू हॉरर लोकेशन पर आ चुका हूँ और वो है ये वाला हॉरर हाउस भाई इसके अंदर मैं अभी नहीं जाने वाला हूँ भाई साहब। ये घर देखने में ही सचमुच में बहुत ज़्यादा हॉरर लग रहा है। उधर फुल मून, खतरनाक क्लाउड्स और इस घर के ऊपर बहुत सारे कौए गोल गोल घूम रहे हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा हॉरर है इस घर में। अच्छा लगा हो तो वीडियो को जाके लाइक करना। हेलो नेबर 2 गेम प्ले सीरीज के एपिसोड आते रहेंगे। वैसे जो लोग भी चैनल पर न्यू हैं या फिर पुराने हैं, वीडियोस देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है उसे जल्दी से दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।